हमारे एमएलए साहब कहते हैं कि ये एक स्मार्ट सिटी है और कहीं भी कुछ काम है तो बताइए, मैं उनको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। ये सारी हवाई बातें हैं। और जैसे कि आप असेंबली में ठहर कर पूरे ऑल ओवर इंडिया का जायजा लेते रहते हैं, बीजापुर शहर से कौन मौलवी कहाँ जा रहा है, किधर मिल रहा है, किधर बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, इसकी नॉलेज आपको है, लेकिन आपके शहर में गटर का पानी, गंदगी का पानी जो है, गंदा पानी, चैम्बर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, उसकी आपको परवाह नहीं है। यानी सिर्फ आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हुए आप लोग असेंबली में नजर आते हैं। तो आप असेंबली के इस बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ लोकल सिटी पर भी ध्यान दीजिए। आपका काम है, एमएलए साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपका काम है, ये फंड क्यों नहीं है, तो आप इसमें कौन सी चीज़ों में आप लोग फंड, या फिर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान, क्या उसका फंड आप लोग इसमें रिलीज करके आप इसको काम करवाना है, या फिर खास तौर से कमिश्नर साहब से भी और एमएलए साहब से भी मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप सिटी की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि 400 बच्चे स्कूल के पढ़ रहे हैं और दीगर वहाँ अतराफ से हज़ारों फैमिलीज वहाँ पर मौजूद हैं, उनके घरों पर इस कदर चैम्बर का पानी जा रहा है, ये बिल्कुल नागवारा है। और उनके बच्चों की तबीयत का क्या हाल है, ये आप लोग समझ सकते हैं। हमारे सामने ही बच्चों को जो है दवाखाने के लिए ले जा रहा था। स्वागत है आपका यश न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ सुफियान। स्मार्ट सिटी की खुल गई पोल, वार्ड नंबर 34 का हाल बेहाल। बीजापुर सिटी को स्मार्ट सिटी बताकर एमएलए अतनाड़ हमेशा अपने द्वारा की गई अभिवृद्धि को लेकर अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, मगर धरातल पर वास्तव स्थिति कुछ और ही है। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। वार्ड नंबर 34 प्राइम स्कूल के आसपास का माहौल इतना बदहाल हो गया है कि हर तरफ ड्रेनेज का पानी, गड्ढे, बदबू और गंदगी फैली हुई है, जिसकी वजह से यहां के स्थानीय लोग कई बीमारियां फैलने के डर से आतंक में हैं। इसी के चलते आज बीजापुर एसडीपीआई अध्यक्ष अताउल्ला द्राक्षी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने आकर पूरे इलाके का जायज़ा लेकर कॉरपोरेशन कमीशन से मुलाकात करके यहां के ज़मीनी हालात से अवगत कराया, जिस पर कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए जल्द ही वार्ड नंबर 34 के हालात सही करके राहत देने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर एसडीपीआई के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज हमारे एसडीपीआई की जो टीम है महानगर पालिका आई हुई है, जहाँ पर बीजापुर स्मार्ट सिटी के ताल्लुक से डिस्कशन हम लोग करने के लिए कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए आए थे। जिस तरह हमने आज वार्ड नंबर 34 में जो बॉर्डर, जहाँ पर प्राइम स्कूल के कन्ना नगर से जो टच होता है, वहाँ पर आज हम लोग किसी शिकायत की वजह से गए थे, सर्वे किए तो पूरा ड्रेनेज का पानी जो है वहाँ पर रिटर्न मारकर पूरा मोहल्लों में फैल गया था, और वहाँ पर जो है आसपास मकान बीच में और पानी आसपास अतराफ से, जिसकी वजह से लोगों को एक तो हेल्थ इश्यू भी बहुत हो रहा है बच्चों को, और उसमें लोगों का आना जाना भी एक बहुत बड़ा मसला है। उसके साथ साथ वहाँ पर प्राइम स्कूल है, वो स्कूल के अंदर लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, उन 400 बच्चों का जो है एक तबीयत का बहुत बड़ा मसला है। जिस कदर वहाँ के लोकल लोग बता रहे थे और उनके हम लोग रिसीव्ड कॉपी हम लोग देखे, तो लगभग एक साल से वो लोग इस काम को कराने के लिए महानगर पालिका को जो बार 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 जो है टच कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है वहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब का एक सर्वे हुआ और भारती साहब का भी सर्वे हुआ, भारती साहब से शिकायत करने के बाद में भारती साहब जो है कमिश्नर साहब को बुला कर लाकर वहाँ पर सर्वे कराए, उसके बावजूद भी काम कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, और वो पानी चैम्बर का ऐसे ही वहाँ पर बहता हुआ नज़र आ रहा है। और सिर्फ बहने की बात नहीं है बल्कि घरों के अंदर तक जा रहा है, घरों के अंदर तक जा रहा है। अब हम लोग वहाँ पर सर्वे किए तो आप दिखा सकते हैं उस चीज़ को कि जिस कदर पानी अंदर जा रहा है, लोग इतना परेशान है, हम जाते ही लोग हमें एक उम्मीद की नज़र से देखकर यहाँ तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये काम को हमारा करके दीजिए किसी भी हालत में बोलकर। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हम लोग आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की और कमिश्नर साहब से हमारी बात हुई, तो कमिश्नर साहब ने हमें एक आश्वासन दिया है कि, और वहाँ पर जो नेमगढ़ हमारे ए डब्ल्यू एस साहब हैं उनको भी बुलाकर बात किया और उनसे भी स्ट्रिक्टली
वार्न किए हैं कमिश्नर साहब के, इमीडिएट वहाँ से पानी फ्लो होने जैसा काम कीजिए और वो जल्द अज जल्द 15 दिन के अंदर टेंडर बुलाएंगे, फिर एक महीने के अंदर अंदर उस काम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो यूजीडी वर्क है जिसके लिए टेंडर बुलाकर जो है 15 दिन में इंशाल्लाह शुरू करेंगे बोलकर एक आश्वासन दिया हुआ है। और एक शिकायत हमारे कमिश्नर साहब के मुँह से हम लोग सुने कि फंड नहीं है अकाउंट में, तो फंड नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अजीब सी लगती हैं, क्योंकि हमारे शहर को जिस कदर हमारे एमएलए साहब कहते हैं कि ये एक स्मार्ट सिटी है और कहीं भी कुछ काम है तो बताइए, मैं उनको 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा, ये सारी हवाई बातें हैं। और साथ ही साथ जैसे कि आप असेंबली में ठहर कर पूरे ऑल ओवर इंडिया का जायज़ा लेते रहते हैं, बीजापुर शहर से कौन मौलवी कहाँ जा रहा है, किधर मिल रहा है, किधर बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, इसकी नॉलेज आपको है, लेकिन आपके शहर में गटर का पानी, गंदगी का पानी जो है, गंदा पानी, चैम्बर का पानी लोगों के घरों में जा रहा है, उसकी आपको परवाह नहीं है। यानी सिर्फ आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते हुए आप लोग असेंबली में नजर आते हैं, तो आप असेंबली के बड़ी बड़ी बातों के साथ साथ लोकल सिटी पर भी ध्यान दीजिए। आपका काम है, एमएलए साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपका काम है, ये फंड क्यों नहीं है, तो आप इसमें कौन सी चीज़ों में आप लोग फंड, या फिर जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान, क्या उसका फंड आप लोग इसमें रिलीज करके आप इसको काम करवाना है, या फिर जो अर्बन डेवलपमेंट फंड होता है उस फंड को जो है आप यूटिलाइज करके इसको काम करवाना है, जो भी तरीका है, आप लोग गवर्नमेंट, आप लोग अधिकार में है और जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ ये डिस्कशन करके इस मसले को हल करना जरूरी है। सिर्फ शिकायतें करते बैठने से या फिर इल्ज़ाम देते बैठने से काम नहीं होने वाला। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है खास तौर से कमिश्नर साहब से भी और एमएलए साहब से भी, मैं बात कहना चाहता हूं कि आप सिटी की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि 400 बच्चे स्कूल के पढ़ रहे हैं और दीगर वहां अतराफ से हजारों फैमिलीज वहां पर मौजूद हैं, उनके घरों पर इस कदर चैम्बर का पानी जा रहा है, ये बिल्कुल नागवारा है। और उनके बच्चों की तबीयत का क्या हाल है ये आप लोग समझ सकते हैं, हमारे सामने ही बच्चों को जो है दवाखाने के लिए ले जा रहा था, ये हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं वहां से। तो हमारा एक स्ट्रांग ये हमारा एक स्टेप भी हम लोग इसके बाद लेंगे, अगर ये जल्द अज जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो हम कानूनी दायरे में वहाँ पर धरना बैठकर रास्ते रामनगर का रास्ता हम लोग बंद कर ये जाहिलाना हरकत को हम लोगों को करने के लिए आप तो इस बार जो है आमदा मत कीजिए, आप मजबूर मत कीजिए हमें, ताकि हम लोग रास्ता उतर कर रास्ता बंद करके भी जो है हम लोग अपना वहाँ पर काम करवा सकते हैं। सर कहीं भाषणों में हमारे नगर शासक कहते हैं कि मैं बीजापुर को स्मार्ट सिटी की ओर ले गया हूँ, क्या ये स्मार्ट सिटी की ओर बीजापुर गया? सर एक जायजा अगर हमारे शासक, हमारे एमएलए साहब अगर हमारे साथ लेंगे तो स्मार्ट सिटी की हकीकत हम लोग उन्हें बिल्कुल बताएंगे। और कई बार उन्होंने भ्रमण देने की भी बात की, कहीं भी रोड खराब है तो? मैंने लास्ट टाइम पर भी आपके माध्यम के जरिए बात कहा था कि चैलेंज के तौर पर मैं बात कहा था कि 1 करोड़ रुपए का इनाम हमारे शासक ने, हमारे एमएलए साहब ने रखा हुआ था, अगर आपके पास है वो सलाहियत तो आप कई करोड़ों रुपए लेकर आइए, आवाम को बांटिए वहाँ पर। मैं ऐसे कई रोड आपको बताने के लिए तैयार हूँ, कई ड्रेनेज लाइन आपको बताने के लिए मैं तैयार हूँ, कई ऐसी जगह ऐसे मोहल्ले आपको बताने के लिए तैयार हूँ जहाँ कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। तो जब से जीत कर आए मैं अभिवृद्धि बहुत किया हूँ, बीजापुर में एक शब्द आता है सर, सिर्फ अभिवृद्धि हुई है बीजापुर, सिर्फ बोलने से अभिवृद्धि नहीं होती, अभिवृद्धि के लिए ग्राउंड में होना जरूरी होता है। हमारे एमएलए साहब जो है असेंबली में जिस कदर बातें करते हैं उसका एक 10% भी वर्क बीजापुर सिटी में मौजूद कहीं भी नजर नहीं आता। कई सारे रोड हुए हैं सर, एजी पेट्रोल पंप रोड है, जैसे बहुत सारे रोड बने हैं बीजापुर में, क्यों सर? इलेक्शन के करीब करीब आप एक मेन लाइंस को, मेन रोड को सीसी रोड बनाकर या फिर वहां पर एक लाइटिंग का डेकोरेट करके आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते। हकीकत, शहर की हकीकत को जानिए, आप सिर्फ मेन लाइन दिखाकर उसे एक पिक्चर बनाकर आप अभिवृद्धि का नाम नहीं दे सकते। आप उससे जो है आप अपने वोट बटोर सकते हैं लेकिन हकीकी तौर पर वो काम नहीं होता। जबकि इलेक्शन के चुनाव के दौरान नीति समिति जारी में कोई काम नहीं होता, उस वक्त उन्होंने मोहल्ले मोहल्ले में काम किया, आप बोल रहे अभिवृद्धि नहीं? कानून तोड़ना तो मैं समझता हूँ ये बीजेपी का एक हक बन गया है, वो आप ये काम करते ही रहेंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जो कन्ना नगर के सामने से जो रोड गई हुई है, मेन लाइन है, ये इलेक्शन से पहले सिर्फ 3 महीने के अंदर इसका टेंडर पास करके अर्जेंट में किया गया, इसी वजह से जो है ये ब्लॉकेज वहाँ पर हो रहा है। अगर उस वक्त हम लोग ऑब्जेक्शन भी किए थे, कि अगर यहाँ पर यूजीडी वर्क के बगैर आप रोड बनाएंगे तो आगे चलकर ये मोहल्ले वालों को बहुत प्रॉब्लम होगा, रामनगर और पूरा जो है कन्ना नगर, प्राइम नगर, ये सारी जो लाइन जाती है वहाँ पे, राजा जी नगर की भी वहाँ पर लाइन मिलती हुई है, ये पूरे लाइन जो है ये सभी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा बोल के हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन किए थे। उसके बावजूद भी हमारे ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए ये लोग जो है अपना इलेक्शन के टाइम पर वोट बैंक के लिए अपना काम अंजाम दिए हैं, जिसके खामियाजा पूरे मोहल्ले वालों को, पूरे एरिया वालों को भुगतना पड़ रहा है। अभी अगर वहाँ पर काम जल्द से जल्द नहीं होता तो क्या? हम वही, अगर काम जल्द अज जल्द शुरू नहीं होगा तो हम रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, हम कानून के दायरे में जो भी बन सकता है हम लोग अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम अताउल्लाह दराक्षी, SDPI से जिला सदर। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है।
अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793। हम SGPI की जानिब से कमिश्नर साहब को एक मनवी पत्र देने के लिए आए थे, क्योंकि वजह ये थी कि आज का जो मेमोरेंडम हमने कमिश्नर सर को दिया वार्ड नंबर 34 और 29 के बीच में कंबाइंड में जो प्राइम स्कूल के पास का जो एरिया है वहाँ ड्रेनेज का पानी पूरा घरों में घुस रहा है। एक तो वो घरों में घुसने की वजह से बहुत सारा रास्ते में प्रॉब्लम्स हो रहा है, बहुत सारे लोग वो रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता इख्तियार करके अपने मोहल्लों को चले जा रहे हैं। एक तो ये चीज़ है और सेकंड चीज़ ये है कि वहाँ पानी जमने की वजह से बहुत सारे बच्चों को मलेरिया और टाइफाइड के शिकार हो रहे हैं। वो पानी बहुत महीनों से जम रहा है, लगभग छः महीनों से ये प्रॉब्लम वहाँ पर होकर है, उसका कोई भी सलूशन नहीं है। बार बार कमिश्नर को मनवी पत्र देते जा रहे हैं, बार बार उनसे कहा जा रहा है कि ये काम अब होगा, 15 दिन में होगा, मगर अब तक वो काम हुआ नहीं। आज वही शिकायत लेकर हम फिर से कमिश्नर के पास आए थे, कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि एक हफ्ता या 15 दिन के अंदर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इंशाल्लाह अगर ये 15 दिन के दरमियान अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हुआ तो हम सब लोग जमा होकर, वो मोहल्ले के लोग जमा होकर हम एक यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करेंगे कमिश्नर ऑफिस में। और जो वार्ड के कॉरपोरेटर हैं, जो काउंसिलर हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उस काम को हमें किस जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। जब आप वहाँ के वोट लेकर एक कॉरपोरेटर बनते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वार्ड के मसलों को किस तरह हल करें। बार बार आप कमिश्नर ऑफिस को आएँ और बार बार उसके बारे में शिकायत करें और उस मसले को हल होने तक आप अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। और तो एक सेकंड चीज़ है, अब तक जो कॉरपोरेटर जो काउंसिलर्स होते हैं वो बीजापुर शहर के मसलों को लेकर डिबेट करने के लिए कोई मेयर तक नहीं बना पाए। ये कि या तो साजिश के तहत मेयर नहीं बन पा रहा है, या तो एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है कि एक मेयर नहीं बन पा रहा है बीजापुर में। लगभग इलेक्शन होकर 1 साल हो गया, अब तक एक मेयर का कोई ओहदा हम यहाँ पर दे नहीं पाए, ये हमें बहुत बड़ा अफसोस है। और सेकेंडरी चीज़ जो बीजापुर के MLA साहब हैं, जो जिन्हें ये चाहिए कि बीजापुर के डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करें, जिन्हें ये चाहिए था बीजापुर को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करें, कि शाही शहर जिसको बीजापुर कहते हैं इसके किस तरह से इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें, मत के बीजेपी के MLA जो यतनाथ सर हैं वो बल्कि डेवलपमेंट की तरफ बात नहीं करते, वो बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करते हैं, कभी किसी मौलवी को ISS का एजेंट करार देते हैं। ये सब को छोड़े, मेरी एक खास कर हमारे यतनाथ सर से गुजारिश है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़े, ये अपने आप इस तरह से करने से आपको कोई CM तो नहीं बना सकता, CM तो आप बनने भी वाले नहीं हैं। इस तरह की राजनीति ना करें, बल्कि आप ऐसी राजनीति करें ताकि बीजापुर शहर के लोग आपकी तारीफ करें, आपके डेवलपमेंट को देखकर आपके चर्चे हों। बल्कि आप ऐसी सियासत कर रहे हैं, किसी मौलवी को ISS का एजेंट करार देते हो, कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नफरत अंगेज बयानात करते हो, ऐसी बयानात से बचें, ऐसी नफरत के तकारीर से बचें। हम यही, और आप इस डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें, देखें कि वार्ड नंबर 34 में क्या हो रहा है, बेदारी से कहीं ना कहीं छूट रहे हो। इसलिए हमारी एक दरख्वास्त MLA साहब से भी है और हमारे काउंसिलर साहब से भी है, इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। और वहाँ एक स्कूल है, बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल के जाने आने का रास्ता है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कि एजुकेशन आने वाले फ्यूचर हैं वो बच्चे, अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो इसका खमियाजा कौन भुगतने वाले। और वहाँ पर एक मस्जिद भी है, जो मस्जिद को आने जाने का रास्ता है, बहुत सारे लोग वहाँ से गुजरते हैं, उस रास्ते से गुजर नहीं पा रहे हैं, मस्जिद तक आ नहीं पा रहे, इतनी प्रॉब्लम्स उस मोहल्ले में है। तो इस मोहल्ले को खास कर मेरे यहाँ कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि उस मोहल्ले की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करके उस मसले को हल करने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ पठान, डिस्ट्रिक्ट कमिटी मेंबर ऑफ SDPI। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ S News ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.